फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और प्रार्थना करता हूँ अच्छे रहे। मैं आपका दोस्त रोहित सप्रा आरके कार केयर से। आज हम ब्लू कॉन का सेट इंस्टॉल कर रहे हैं। उसमें कुछ सेटिंग्स होती है जो कैमरे की, वो दो तरह की होती है। उसमें HD कैमरा भी चला सकते हैं, नॉर्मल कैमरा भी चला सकते हैं। और कई बार हमें एक और दिक्कत आती है कि उसमें प्ले स्टोर नहीं विजिबल होता। आज हम उस पर बात करेंगे, आइए देखते हैं। इस न्यू मॉडल तंपा बे है, इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं इसमें हम HD कैमरा और नॉर्मल कैमरा का स्विचिंग कैसा करते हैं, सेटिंग कैसा करते हैं। पहले हम सिस्टम ऑन हो गया, अभी हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के बाद सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। सिस्टम सेटिंग ये नॉर्मल सेटिंग में रहता है, डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है। हम सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, फिर फैक्ट्री सेटिंग में जाएंगे। फैक्ट्री सेटिंग को ऑन करेंगे, कोड इसमें डालेंगे 2468, इसको कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म कर दिया, अनसिक्योर ऐप है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो प्ले स्टोर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम कैमरा सेटिंग में जाएंगे, बैक कार सेटिंग है, बैक कार सेटिंग को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे अगर इस अभी ये नॉर्मल जो है HD मोड में है, हम रियर को सेलेक्ट करेंगे। रियर जो है HD 720 ए ऑलरेडी सेटेड है। अगर हम नॉर्मल कैमरा लगाते हैं तो इसको हम CBSE NTSC नॉर्मल कैमरा के लिए सेट करते हैं, और HD लगाएंगे तो HD 720 पिक्सल में रहेगा। और पार्क असिस्ट लाइन अगर नॉर्मल कैमरा लगाएंगे तो बंद कर देंगे, HD कैमरा लगाएंगे तो ये असिस्ट लाइन ऑन रहेगा। ये ऑन करने के बाद हम इसको फिर सेव करेंगे। सेव कर देंगे तो कैमरा जो है HD मोड में अभी चलेगा ये। और नेक्स्ट क्या है, अगर HD मोड का कैमरा 3-point मॉडल है तो उसमें कैमरा के पास वाइट वायर आता है पारिक, उसको काट देना है। वो काट देने में फिर HD मोड में चलेगा वही कैमरा। वो कैमरा नॉर्मल भी चलता है, HD भी चलता है। तो ये सिस्टम HD भी सपोर्ट करता है और नॉर्मल सपोर्ट करता है। ओके, बंद बंद बंद।